प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज पालक परोठा बनाएंगे। पालक परोठा बनाने के लिए पहले पालक को साफ करके धो के एक बर्तन में डाल रही हूँ। देखिए ऐसा, इसको गैस पर रख करके एक ढक्कन ढक करके 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। देखिए ऐसा, अब इसको ठंडा करके मिक्सी जार में डाल रही हूँ। इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। पालक परोठा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, पीसा हुआ पालक 1 कप लिया है, 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप बेसन, काली मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर 1 स्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 स्पून, हल्दी 1/2 स्पून, तेल ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस, अदरक, मिर्ची, जीरा। अभी एक बर्तन में सब इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। अभी इसको मिक्स कर लेंगे, आटा गूंद लेंगे। देखिए ऐसा, चपाती के आटे के जैसा आटा गूंद लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा गूंद लेंगे। देखिए ऐसा, अभी इसको थाली ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए आटा तैयार है। अभी इसका लोई बना लेंगे। देखिए ऐसा, अभी एक लोई लेकर के बेलेंगे। परोठा बेलते हैं ना, ऐसा ही इसको बेल लेंगे। देखिए ऐसा, तवा गरम हो गया है। अभी मैं इसको तवे के ऊपर डाल रही हूँ। परोठा सेकते हैं ना, ऐसा ही हम इसको सेक लेंगे। अभी इसको घुमा के थोड़ा सा तेल डाल के परोठा सेक लेंगे। देखिए ऐसा, कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन परोठा रेडी हो रहा है। मैं अभी और एक परोठा आपको दिखाती हूँ। देखिए एक लोई लेकर के थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसा बेल लेंगे। अभी इसको भी तवे के ऊपर डाल रही हूँ। अभी घुमा के थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए ऐसा, इसको सेक लेंगे। पालक परोठा रेडी हो रहा है। इसको दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। अभी इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। पालक परोठा रेडी।